मेरे जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है एक्टिवा 125, इसके साथ साथ आप दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो मैस्ट्रो यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि बहुत ही बढ़िया कंडीशन है, बेहतरीन कंडीशन है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है आपको एक्टिवा 3G यहाँ पे देखने को मिल जा रही है, जो कि ब्लैक कलर में, आप लोग बहुत ज़्यादा कॉमेंट कर रहे थे, तो यहाँ पे एक्टिवा अवेलेबल है। इसके साथ साथ आपको प्लेजर, जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा ऑन डिमांड रखते हो, आप लोग जो है बार बार बोलते हो कि हमें प्लेजर दिखा दो भैया, तो यहाँ पे देखिए प्लेजर भी अवेलेबल करा दिया गया है। तो हर तरह की जो है बाइक्स यहाँ पे अवेलेबल करा दी जाती है, और हमारे चैनल के माध्यम से जो भी आप लोग जो देखते हो, तो जो भी लेटेस्ट गाड़ियाँ आती है, तो उन सभी गाड़ियों की जो है नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए, ताकि आपकी वीडियो आप तक पहुँच जाए, आपके मोबाइल तक पहुँच जाए, और आप उन गाड़ियों को परचेज आसानी से कर सको। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोगों को हर एक गाड़ियों को दिखाते हैं। तो आप में से जो भी भाई लोग अगर हमारे चैनल पे नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मैं आपका भाई को जो है सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं और भी ज़्यादा वीडियो आप सभी के लिए जो है लेकर आता रहूँ। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग जो है बार बार मुझे बता रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि आप लोग को जो है स्कूटी देखना है, तो यहाँ पे जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ, एक्टिवा दिखाने वाला हूँ, दो मास्टर दिखाने वाला हूँ, और साथ में आपको प्लेजर दिखाने वाला हूँ। बहुत सारे लोग आप लोग जो है डीओ की डिमांड कर रहे थे, तो डीओ भी जल्द ही आ जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए मैं आ चुका हूँ फिर से एक बार और राइडर पॉइंट में, जो कि आपको गोविंदपुर में है, ठीक है, गोविंदपुर से ठीक थोड़ा सा पहले है। चलिए आपको हम लोकेशन दिखा देते हैं, ताकि आप लोगों को जो है कोई भी दिक्कत ना हो। इस तरफ जो है आप देख सकते हो, इस तरफ जो रास्ता गया है ये गोविंदपुर चला गया है, जो कि मात्र 1 किलोमीटर के रेंज पे है। और इस तरफ जो है आपको जाना, इस तरफ जो है आपको बिग बाज़ार मिल जाएगा, यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर और आगे है। तो ये इस जगह पे जो है, यहाँ पे राइडर पॉइंट, जो कि आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, राइडर पॉइंट जहाँ पे बाइक के साथ साथ जो है स्कूटी की डील भी होती है। तो हर तरह की जो है बाइक्स की डील यहाँ पे हो जाती है, हर तरह की जो है स्कूटी और वगैरह वगैरह, जो भी आप लोग जो खोजते हो, लड़कियों के लिए खोजते हो, लड़कों के लिए खोजते हो कि हमें भैया स्कूटी चाहिए, तो इस जगह पे स्कूटी आपको आसानी से अवेलेबल होता है। आती रहती है गाड़ियाँ और जाती रहती है गाड़ियाँ। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस वीडियो को देखने के बाद, जो भी आप कब देख रहे हो, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वीडियो को कब देख रहे हो, क्योंकि गाड़ियाँ आती है और तुरंत निकल भी जाती है। तो आप लोग जो है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि अगर जो भी वीडियो मैं डालता हूँ, तो वो 2 से 3 दिन के भीतर ही सभी गाड़ियाँ जो है निकल जाती है। तो आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और बेल वाले नोटिफिकेशन को ऑल वाले को सिलेक्ट करके रखिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और अगर आप गाड़ियों की तलाश में हो, तो आपको फटाफट पता चल पाए कि कौन सी गाड़ी फिलहाल जो है कहाँ पर अवेलेबल है। दोस्तों, हमारे साथ जो है फिर से एक बार जुड़ चुके हैं भाई, सर कैसे हैं? बढ़िया। तो दोस्तों, हमारे ऑडियंस को हेलो कर दीजिए, हाय कर दीजिए। तो दोस्तों जो है, आज हमारे सामने जो भी गाड़ियाँ दिखाने वाले हैं, ये स्पेशल ओरिएंटेड वीडियो है, जो कि लड़कियों, जो लड़की लोग जो कमेंट कर रही थी, या फिर फ़ोन कर रही थी, लड़कियों के जो पेरेंट्स फ़ोन कर रहे थे कि आप लोगों को स्कूटी देखना है, तो ये स्कूटी की वीडियो आप सभी के लिए मैं लेके आ चुका हूँ। तो सबसे पहले आज की कौन सी गाड़ियाँ दिखा रहे हैं, एक्टिवा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो एक्टिवा, जो कि 125 सीसी की जो है एक्टिवा है, स्कूटी है। और जो कंडीशन आप देख लीजिए पहले, तो कंडीशन देख लीजिए, फ्रंट प्रोफाइल कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा इस एक्टिवा का। साइड व्यू भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह से, बिल्कुल अच्छे कंडीशन में है, और कहीं पर भी कोई भी स्क्रैचेज नहीं है। आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, तो देख लीजिए एकदम सुई वाला जो है ना स्क्रैच नहीं है इसमें, एकदम क्लियर है गाड़ी। और यहाँ पर देख सकते हो, मैं सिर्फ इस जगह पे थोड़ा सा जो है क्रैक है, बाकी गाड़ी जो है एकदम एक नंबर कंडीशन में है। इसका जो है डील प्राइस आपने क्या रखा है, कब की मॉडल की है ये? 2017 की है। 2017, हाँ 2017 के अगस्त का फर्स्ट पार्टी है। अच्छा, इसका 38,000 में थोड़ा बहुत नेगोशियबल हो जाएगा। जी जी। तो दोस्तों, यहाँ पे 38,000 में एक्टिवा, आप लोग जो सोच रहे थे 2017 मॉडल की जो है एक्टिवा, यहाँ पे मात्र 38,000 में
आपको अवेलेबल करा दिया गया है। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो एक और एक्टिवा है, मैं दिखा रहा हूँ आपको ब्लैक वाली एक्टिवा, जो कि कंडीशन देख लीजिए पहले, इसका साइड प्रोफाइल में दिखाता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी स्क्रैच या कोई भी गड्ढा वड्ढा नहीं है, मतलब एकदम ओके कंडीशन में है। ये देखिए साइलेंसर वगैरह एकदम अच्छे कंडीशन में है। इसका जो है फुट स्पेस देख लीजिए, और इस जगह पे जो है यहाँ पे एक डिक्की भी लगा दिया गया है ताकि आप इसमें कुछ कैरी कर सको। आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मात्र 33,000 किलोमीटर चली हुई है ये बाइक, और इसकी जो है फ्रंट प्रोफाइल दिखाते हैं आपको। फ्रंट प्रोफाइल देखिए एकदम ओके कंडीशन में है। इसके साथ साथ देखिए टायर आपको पूरा बचा हुआ है अभी, और इस जगह पर देख सकते हो यहाँ पर एक गार्ड लगा हुआ है, ये कोई स्क्रैच नहीं है, एक गार्ड लगा हुआ है। और ये जो है फ्रंट प्रोफाइल आपको मैं दिखाता हूँ, इसका कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा ये बाइक। चलिए इसकी डील के बारे में भी हम लोग जानते हैं। भैया ये एक्टिवा कब की मॉडल की बाइक है? 2015 की है। 2015 जी। और फर्स्ट ओनर है? सेकंड ओनर है। अच्छा, और इसका 28 पड़ेगा। तो इसका जो है रेट क्या रखा है मिडिल प्राइस? 28 पड़ेगा। 28,000, 28,000 में आप दोस्तों यहाँ पे जो है दोस्तों 28,000 में आप लोगों को स्कूटी यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है राइडर पॉइंट में। इसके बाद दोस्तों आपको एक और यहाँ पे दिखाने वाले हैं मास्ट्रो। ये देखिए मास्ट्रो एज, जो कि कंडीशन आप देखिए एकदम लाजवाब कंडीशन है। एक सुई वाला जो स्क्रैच होता है ना, वो भी आपको यहाँ नहीं मिलने वाला है। एकदम ओके कंडीशन में सीट देखिए, सीट एकदम ओके है, और फुट स्पेस देखिए एकदम अच्छे कंडीशन में है। इसका जो है आप दिखाता हूँ मैं आपको, फ्रंट प्रोफाइल भी दिखाता हूँ, और ये देखिए बैक प्रोफाइल कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा इस बाइक की, इस एक्टिवा की, इस स्कूटी की। और इसका फ्रंट प्रोफाइल की बात की जाए तो फ्रंट प्रोफाइल दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए फ्रंट प्रोफाइल भी अच्छे कंडीशन में है। टायर का कंडीशन देख लीजिए खुद ही, और इसकी चलिए डील के बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो जैसा कि ये मास्ट्रो आप लोगों को कैसा लग रहा है हमें नीचे कमेंट में बताइएगा, और इसकी जो है डील क्या है? ये मॉडल है आपका 2016 की लास्ट की है। मॉडल 2016 लास्ट जी। अच्छा, 37 में इसको 37,000 फर्स्ट पार्टी है। फर्स्ट पार्टी। और कितने किलोमीटर चली हुई है ये? लगभग वही 26 के आसपास, 22-24 के आसपास ही है। 22-24 के आसपास में चली हुई है। तो दोस्तों ये जो है डील आपके लिए ज़बरदस्त जो है स्कूटी वाली डील यहाँ पर हम लोग आपको दिला रहे हैं। दोस्तों आप लोग जो है प्लेजर को जो है बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे थे, कमेंट कर रहे थे प्लेजर देखने के लिए, सेकंड हैंड प्लेजर को, तो यहाँ पे जो है प्लेजर आप देख सकते हैं। कंडीशन देख लीजिए पहले, कंडीशन एकदम ओके कंडीशन में है, कहीं पे भी स्क्रैच नहीं है। और आपको मैं दिखाता हूँ दूर से, ये देखिए प्रोफाइल कुछ इस तरह से जो है बाइक देखने को मिलेगी आपको। फ्रंट प्रोफाइल की बात की जाए तो फ्रंट प्रोफाइल कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा प्लेजर का। और चलिए इसकी डील के बारे में भी हम लोग जानते हैं और किलोमीटर दिखाते हैं आपको। ये ऑलमोस्ट जो है मात्र 10,000 किलोमीटर चली हुई है ये बाइक, ये स्कूटी मात्र 10,000 चली हुई है। और इसकी चलिए डील के बारे में भी जानते हैं। तो ये कब की बाइक है? 2016 की है। 2016 फर्स्ट पार्टी है जी। और इसका पड़ेगा आपको 35,000 मात्र 35,000 कुछ नेगोशिएबल, थोड़ा बहुत हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 35,000 में आप लोग जो स्कूटी ढूंढ रहे थे ना, तो ये देखिए 35,000 में भी यहाँ पे आपको स्कूटी अवेलेबल करा दिया गया है। सीट की कंडीशन आप खुद ही देख सकते हैं, एकदम रॉयल जो है कंडीशन है, सीट बनवाया गया है इसका, और जो भी है रख रखाव जो है गाड़ी की, रख रखाव अच्छी तरह से की गई है। चलिए इसके बाद आपको हम एक और बाइक को दिखाते हैं, एक स्कूटी को और। दोस्तों यहाँ पे जो है एक और मास्ट्रो जो है अवेलेबल कराया गया है, जो कि एज है, और कंडीशन देखिए रेड कलर की ये जो स्कूटी है काफ़ी कमाल लग रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है कंडीशन वगैरह बहुत ही लाजवाब कंडीशन में है, रेड कलर की ये जो है स्कूटी, और ये जो है मास्ट्रो काफ़ी कमाल है। काफ़ी प्रोफाइल देखिए इसका, फ्रंट प्रोफाइल मैं आपको फ्रंट प्रोफाइल दिखा रहा हूँ, ये फ्रंट प्रोफाइल काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। और आपको चलिए इसकी डील के बारे में आपको हम बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मास्ट्रो की सीट की क्वालिटी देखिए, सीट ज़बरदस्त कंडीशन में, आपको सीट चेंज भी कराना नहीं पड़ेगा, काफ़ी जो है आपको अच्छी तरह से जो है ये सीट भी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मात्र 25,000 किलोमीटर चली हुई है ये मास्ट्रो, ठीक है। तो टोटल देख सकते हो कंडीशन, और यहाँ पर जो है हम बात करते हैं चलिए इसकी डील की। तो इमरान भैया ये जो बाइक है, ये स्कूटी है, ये कब की मॉडल की है? 2017 की है। 2017 मॉडल की है, फर्स्ट ओनर जी। फर्स्ट ओनर मात्र 25,000 चली हुई है ये बाइक, ये स्कूटी। और ये कहाँ की गाड़ी है? धनबाद नंबर। अभी तक जो भी दोस्तों हम लोगों ने गाड़ी दिखाई है, जो भी स्कूटी दिखाई है, सभी धनबाद नंबर की ही है। मास्ट्रो गिरिडीह की है। एक नंबर सिर्फ जो है, एक जो मास्ट्रो मैंने दिखाया था आपको सेकेंड नंबर पे, वो आपको गिरिडीह नंबर की स्कूटी है। तो ये जो है स्कूटी का पेपर वर्क वगैरह
पेपर वही आपका ट्रांसफर चार्ज जो भी बाइक रहे सारा इंक्लूड नहीं है, सब अलग से ट्रांसफर चार्ज है। और ये बाइक का पड़ेगा आपको 38,000 नेगोशिएबल है, नेगोशिएबल थोड़ा बहुत कोई तो दोस्तों यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत जो है नेगोशिएबल हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो है टोटल जो है हम लोगों ने आपको आज जो है स्कूटी का हर एक वेरियंट दिखाया है, काफी कमाल वाला जो है यहाँ पे जो है आज कलेक्शन है। और यहाँ पे जो है कलेक्शन हमेशा से चेंज होता रहता है, तो आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा कलेक्शंस मैं आपको खुद ही दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे जो आज जो मैंने स्पेशली जो वीडियो बनाया है क्योंकि लड़की लोगों के लिए जो है महिलाएं के लिए जो है स्कूटी अगर आप तलाश कर रहे हो तो ये चीज़ जो है आसानी से आपका पूरा हो सकता है। हमारे वीडियोस को ज़रूर फॉलो कीजिए ताकि जो है आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल पाए, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों को मैं आपको दिखा पाऊँ। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैं जो है खुद अपने आप को मोटिवेशन फील करूँ और आप लोग जो है मोटिवेट कीजिए मुझे अपने वीडियो को लाइक करके। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगली अपडेट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।